हम यहाँ पे इस वजह से इकट्ठे हुए कि हमारा एक कॉलीग है मोहम्मद इकबाल रोड जिसको इलीगली डिटेन किया जा रहा है, उसको फ्रेम किया है, फॉल्स लिंक फॉल्स है कि उसको जेंजर कोर्ट की एनकाउंटर के साथ उसको लिंक किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये लोग जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहे कि इसमें ना पता है चार्ज उसके अगेंस्ट क्या है, ना पता है उसने किया क्या है, जो उसको अरेस्ट किया है, जिसने अरेस्ट करवाया वो खुद विटनेस है, वो कहता है मैंने इसको एनकाउंटर साइट से 16 किलोमीटर दूर अरेस्ट कराया है। तो अब अगर वो एनकाउंटर साइट से अरेस्ट नहीं हुआ, यहाँ से जा रहा था, स्टूडेंट है, कोई प्रूफ नहीं उसके अगेंस्ट, उसको कहाँ रखा है, डिसअपीयर किया हुआ है, इसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है, वो कहाँ पे है। हम चाहते हैं कि उसके साथ हमें उसकी फैमिली को उसके साथ मिलने दिया जाए, हम चाहते हैं कि इस केस में ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाए, हम चाहते हैं कि उसकी स्टडी कंटिन्यू कर दी जाए, जो भी एविडेंसेस है जो भी है उसके लिए ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाए, और हम चाहते हैं कि जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा उसको श्रीनगर शिफ्ट किया जाए। ये हमारी हम तो लीगल जानना चाहते हैं, लीगल प्रोसेस है क्या, वो बता नहीं रहे क्या कर रहे हैं, वो कहाँ है, तब से वो कहाँ है, मिलने दीजिए हमें उससे, हमें कुछ पता नहीं है, सेवेंथ डे है आज, उससे मिलने दीजिए, हमें तो प्रोसेस भी नहीं दिखा रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट, हमें कुछ बता नहीं रहे हैं, वो जिंदा है, उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, हमारी तो यही डिमांड है, हमें बताइए कि हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या है, दैट्स इट। पुलिस के वजन में कुछ भी लिखते हैं, अगर उसे जब है बताइए क्या एविडेंसेस है उसके अगेंस्ट, चार्जशीट दिखाइए, हमें मिलने दीजिए उससे, कुछ भी नहीं करें, इनके बोलने से क्या होता है, वी डोंट बिलीव इन दैट।